जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा पंप ऑपरेटर्स, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्कर्स ने सरकार को चेताया है कि अगर उनके लिए स्थायी नीति नहीं बनाई गई तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सोमवार को इंटक कार्यालय धर्मशाला में आयोजित बैठक में सरकार के समक्ष मांगों को उठाया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघ मोर्चा से समर्थन प्राप्त और इंटक से संबंधित कर्मचारी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमन शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुश कुमार ने बताया कि जल शक्ति विभाग में साल 2021 में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर की नियुक्ति हुई है। इन कर्मियों का ड्यूटी समय 6 घंटे तय था, लेकिन हमसे 8 से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उनकी ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे की जाए। इस वर्ग को वेतन 3900 से 5500 रुपए दिया जाता है, जो कि वर्तमान महंगाई के दौर में काफी कम है। कई कर्मियों की नियुक्ति घरों से 23 से 80 किलोमीटर दूरी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 500 रुपए बढ़ाया था, जो कि अप्रैल से मिलना था, वो भी अभी तक नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में इन कर्मियों की संख्या 4000 से ज्यादा है और इस वर्ग की मांग है कि 3 साल टेम्परेरी में लगवाए जाएं और 2 साल कॉन्ट्रैक्ट देकर नियमित किया जाए, उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इस वर्ग को सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज हमारी एक पैरा वर्कर, हम जल शक्ति विभाग में लगे समस्त पैरा वर्कर, पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज वर्कर, ठीक है, आज जो हमारा मेन मुद्दा था यहाँ इकट्ठे होने का, तो आज हमारी एक मीटिंग रखी गई थी। इसमें हम दो यूनियन एक साथ होकर अपनी मांग को सरकार के आगे रखेंगे। तो जो हमारी मांग है, जैसे कि हमारी तैनाती जो हुई है 6 घंटे के लिए हुई है, हमारी जो वैकेंसी निकली हुई थी जो 2000 इसमें पूर्व सरकार भाजपा की सरकार थी, उस टाइम पे हमारी वैकेंसी निकली, तो हमारी तैनाती 6 घंटे की हुई है, बट हम ड्यूटी टाइम जो हमारा 14 से 15 घंटे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, और जो मतलब हमारे हमें वेतन मिल रहा है वो एक मतलब वेतन उससे मतलब घर का एक खर्चा आजकल के टाइम में इतनी महंगाई भरी दौर में नहीं होता है। 5500 और 3900 रुपये सैलरी दी जाती है, ठीक है, 6 घंटे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, और सरकार से यही मांग रखना चाहते हैं कि जो हमारी तैनाती है, अब बात करें जूनियर टीममेट की, तो वो 2 सालों में रेगुलर हो रहे हैं, सेम मेरिट बेस पर रखे जा रहे हैं वो भी, और हमारा मेरिट बेस भी बढ़ रहा है और इंटरव्यू भी हो रहा है हमारा, उस कारण हमारी तैनाती भी हो रही है। तो हम सरकार से यही मांग रख रहे हैं कि जैसे उनको रखा जा रहा है वैसे हमें रखा जाए। अभी देखो कईयों को 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, ठीक है, जो मतलब आज के सैलरी भी है वो भी टाइम से नहीं मिल पा रही है। 5500 से एक घर का खर्चा आज के टाइम में, आपको सभी को पता है कि सैलरी महंगाई कितनी आगे जा रही है, तो सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमारे हमें जल्दी से जल्दी अनुबंध पर लेकर आएँ और जो हमारी ड्यूटी टाइम है 6 घंटे के बजाय 8 घंटे ड्यूटी टाइम कर दी जाए। यहाँ पर तो अभी थोड़े से मतलब धर्मशाला के सराउंडिंग एरिया में रखी गई मीटिंग, और 1-2 दिनों के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगी, तो वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जिला कांगड़ा में इतने ही कर्मचारी आते हैं? सर, जिला कांगड़ा के कुछ कर्मचारी आ भी नहीं सकते, कहीं ये तो नाइट ड्यूटी वाले हैं सभी, जो डे में फ्री है नाइट ड्यूटियाँ देने जाना है सभी ने शाम को। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।